क्वेश्चन 19 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 dx। अब सोचो कि क्या मानोगे, कुछ आ रहा है मानने से? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ आ रहा है। तो इसमें हम कुछ अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बेटे ये बताओ मुझे, ठीक है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे? और बेटे आप लोग से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि बेटे अपने दोस्तों को भी वीडियो का शेयर कर दे लेक्चर को, और जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक है? हम एक दूसरे पे ही डिपेंड हैं, ठीक है? तो अगर अच्छा लेक्चर लगे तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ये करें कि इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में e टेंडिंग टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, यानी सॉरी डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवाइड कर दें, तो कुछ ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा जरा देखिए। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर nr एंड डिनोमिनेटर dr बाय e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है? इससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय dx, e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय dx, ठीक है? अब करेंगे हम क्या करेंगे, ये कि e टेंडिंग टू पावर x को हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट का हम लॉ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 इनटू e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 इनटू न्यूमरेटर में लेके जाएंगे e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx। देखते रहना बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करो जरा सा, और एक्सपोनेंट में हमने बेटे आप लोग तो नहीं बताया, मैंने मेरा सीरीज चल रहा है आईटी फाउंडेशन सीरीज, उसमें बेटे एक्सपोनेंट का मैंने कराया है। लॉज ये होता है कि अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे ना तो इसकी पावर का एडिशन हो जाएगा, यानी कि e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस x, और 1 के साथ करेंगे तो माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, सिमिलर ये भी होगा e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx, ठीक है? एक स्टेप और लेते हैं बेटे, e टेंडिंग टू पावर, देखो दो में से एक घटा देंगे तो मिलेगा यहां से प्लस x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx, ठीक? यहां तक बेटे सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। क्या किए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक? आइए चलते हैं आगे की तरफ। बेटे मैं इसके डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को t मान लेता हूं, ठीक है? e टेंडिंग टू पावर x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत छोटा लिखता हूं x, ठीक है? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e टेंडिंग टू पावर x, और x का करोगे तो 1 प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x, और इसके पावर में क्या है, माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे तो माइनस 1 इज इक्वल टू t का dt बाय dx, मल्टीप्लाई करो जरा सा, e टेंडिंग टू पावर x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाय dx, और यहां से हम dx निकाल लेते तो dx इज इक्वल टू
dt divided by e tending to power x minus e tending to power minus x. Yeah. वापस चलते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ कहां पे चलेंगे, यहां पे e tending to power x माइनस e tending to power माइनस x डिवाइडेड बाई, इसको बेटा हमने t माना है, ठीक है. और dx इक्वल टू हमने निकाल के लाया है dt डिवाइडेड बाई e tending to power x माइनस e tending to power माइनस x. ये पूरे फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा. ये फायदा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको पता है log mod of t plus arbitrary constant. और log mod of, ठीक है, हमने क्या माना है जरा सा देखो, t equal to e tending to power x plus e tending to power minus x plus arbitrary constant. इस तरीके से आपका क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है. सिमिलर आपको करना है क्वेश्चन 20, ठीक. क्वेश्चन 20 बेटे, क्वेश्चन 20 है ये, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे, यही रोकेंगे हमको. e tending to power 2x minus e tending to power minus 2x divided by e tending to power 2x plus e tending to power minus 2x dx. बेटे इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, जरा ट्राई करो. इसको मैं बंद कर दूं यार. चलिए कोशिश करें सॉल्व करने. जब आप सॉल्व करेंगे तब तक एक दो सेकंड तक, पांच सेकंड तक हम रेस्ट कर लेंगे. क्या करोगे आप, ऐसा करो कि इस पूरे फंक्शन को टी मान लो, ठीक है. क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को टी मान लो. देखो जरा सा. इंटीग्रेशन ऑफ ई टेंडिंग टू पावर 2x माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस e tending to power minus 2x dx, ठीक. आप इसको भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटे, ठीक है. दोनों में से किसी को मान लेना, कंफ्यूज मत होना. हम पुट करते हैं e tending to power 2x plus e tending to power minus 2x is equal to t. अब करते हैं डिफरेंशिएशन बेटे. जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा e tending to power 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2. फिर से रिपीट कर रहे हैं, e tending to power 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा. अगेन इसके पावर का करोगे तो 2 मिलेगा. प्लस e tending to power minus 2x, अगेन इसके पावर का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे तो मिलेगा आपको minus 2 is equal to t का आपको पता है dt by dx होगा. मल्टीप्लाई करो तो 2 into e tending to power 2x plus minus minus 2 e tending to power minus 2x is equal to dt divided by dx. dx की वैल्यू निकालो तो dx is equal to dt by, हम 2 को कॉमन ले लें, e tending to power 2x minus e tending to power minus 2x, ठीक. या देख जरा सा, देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है. और टफ क्वेश्चन नहीं आता बेटा इंटीग्रेशन में, ठीक है. सीधा सीधा क्वेश्चन आता है. इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय t. क्यों कहा, क्योंकि इस फंक्शन को हमने t मान के रखा. और dx बेटे हमने निकाला है dt बाय 2 e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस e tending to power माइनस 2x, ठीक. देखो ये कैंसल आउट होगा, हो गया. 1 बाई 2 को बाहर ले लो. 1 बाई 2 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, ठीक है. चलते हैं आगे में बेटे. अब यहां से तो आसान हो गया इंटीग्रेशन करना, ठीक. तो 1 बाई 2 को कॉपी, ठीक. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. 1 बाई टू
लॉग मॉड ऑफ टी, देखो जरा सा क्या मान के रखते हो, ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन 20 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक बेटे, हम लोग यहीं रोकेंगे।